मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया हेलीकॉप्टर से कोटेश्वर पहुंचे। वहां से बाई रोड कोर्ट पहुंचे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण कर लौट रहे थे, तभी कुछ शिक्षकों को ज्ञापन लेकर रास्ते में खड़े देख मुख्यमंत्री ने अपनी गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरे तथा मांग कर रहे शिक्षकों से बात की और ज्ञापन लिया और सीधे कोटेश्वर मंदिर में दर्शन करने सभा स्थल पर पहुंचे, जहां सिंधिया और शिवराज एक साथ जोड़ी को देखने के लिए बदनावर और आसपास की जनता हजारों की तादाद में सुबह से इंतजार कर रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मां नर्मदा परियोजना के करोड़ों रुपए का भूमि पूजन किया। बदनावर क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ जहां सिंधिया और शिवराज एक साथ एक मंच पर कांग्रेस को कोसते नजर आए। वो कभी एक दूसरे के आमने सामने हुआ करते थे। आपको बता दें कि बदनावर विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है तथा राजवर्धन सिंह बत्तीगांव भाजपा से चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस अभी अपनी ओर से उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाई है। बदनावर उपचुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। अब आगे ये देखना होगा कि बदनावर विधानसभा क्षेत्र की जनता किसको विजय श्री दिलाती है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बदनावर से रोशन रिग्नोदिया की ये खास रिपोर्ट।